चाहते हैं, इस तरह के इस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं, इस एक्टर के, तो आपका कोई ड्रीम रोल है ऐसे कि इनके साथ काम करूँ मैं या फिर इस डायरेक्टर के साथ काम करूँ? सर ये तो खैर बहुत बाद में ये चीज़ आएगी कि मैं डिसाइड करूँ कि मुझे क्या चाहिए। मुझे जैसे भी फिल्म मेकर्स, मुझे जिस तरीके के आजकल मुझे लग रहा है कि फिल्म मेकर्स बहुत इंटेलिजेंट रोल लिखते हैं, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग होती है, स्टोरी कंटेंट बहुत अच्छा होता है और कैरेक्टर बेस्ड फिल्म्स मिल रही हैं, मैं द ओनली थिंग आई वांट टू डू, मैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स आई वांट टू डू सो दैट वेयर एज आई कैन लिव दोज रोल्स, आई कैन डू जस्टिस विद दोज रोल्स एंड आई रियली सिंसियरली वॉन्ट टू पुट माई एफर्ट्स, पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल दीज रोल्स। मैंने रिसेंटली अभी 3-4 फिल्म देखी, मैं फिल्म देखने का बहुत शौकीन हूँ, जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं फिल्म देखता हूँ। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है बॉलीवुड में और बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वेयर एज इफ यू आस्क मी दैट वॉट इज माई ड्रीम रोल, आई वुड से वॉट टू प्ले बाजीराव इज माई ड्रीम रोल। यस, तो आपने बाजीराव देखी, क्या कहना चाहेंगे रणवीर की परफॉर्मेंस के बारे में? मैं क्या बोलूंगा सर, पूरी दुनिया बोल रही है, वो तो पूरी दुनिया बोल रही है, ही इज, लुक एट हिम, उनको, ही डजंट नीड एनी कमेंट्स, ही डजंट नीड एनी एक्नॉलेजमेंट, ही इज टेरिफिक। उनका जिस तरीके से उन्होंने अपना इतना काम किया है, अपने जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर को निभाया है, मुझे नहीं लगता कि शायद, मुझे बाजीराव के बारे में मैंने पढ़ा नहीं कभी, मैं कभी बाजीराव के बारे में मैं जानता नहीं, और अभी बाजीराव फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नाउ ही इज़ बाजीराव। सो बेसिकली मेरे को जो अभी मुझे कोई बोलेगा कि बाजीराव, तो मेरे को फर्स्ट फ्लैश आएगा रणवीर सिंह। सो उन्होंने एक वो छाप छोड़ दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ये बाजीराव। कमिंग बैक टू लव शगुन, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे कि गोवा और मुंबई में शूट किया गया है, तो कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे, फन किस्सा आप अगर शेयर करना चाहें? ऐसे किस्से तो बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कैमरा पे बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, बहुत सारे किस्से हम लोग फ्रेंड्स के, बेसिकली हम लोग जो फ्रेंड्स हैं, हम लोग पहले एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे, मैं अनुज, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे पहले ही, हम लोगों ने साथ में जब सिनेमा ने 100 साल पूरे किए थे तब हमने स्टार प्लस के लिए परफॉर्म किया था, और हम लोग वैसे भी, अनुज ने भी टीवी किया, मैंने भी टीवी किया, तो टीवी में जब भी हम लोग करते हैं अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता है, तो ऐसे तो हम लोग फ्रेंड्स थे पहले, एक हमारी एक पहले एक केमिस्ट्री थी। तरन को मैं जो तरन जो प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर, उनके साथ बिकॉज इज अ कास्टिंग डायरेक्टर, तो उनके साथ ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पर उनसे मिलना जुलना होता रहता था। विक्रम ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर, और विक्रम के साथ, विक्रम के मैंने 2-3 प्लेस देखे थे, तो वाया समबडी मैम आई नो विक्रम, तो इस फिल्म के ज़रिए हम चारों लोगों को टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, और मुझे ऐसा लगा कि यार शूटिंग विद संदेश सर इन द फिल्म वाज, इट्स लाइक अ प्रिविलेज फॉर मी, इट वाज सो रियल, इट वाज सो गुड। मुझे एक भी मोमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सेट पर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार यू कांट बी योर सेल्फ एट टाइम्स, यू नो वेन यू आर सराउंडेड बाई अननोन पीपल, वो आपको एक कहीं ना कहीं एक इनहिबिशन आ जाता है, एक शील्ड आ जाती है। When I was working with Sandesh sir, when I was working with the entire cast, मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मुझे I have to be presentable in any way, or I have to speak in certain way, or I have to dress in certain way, or I have to I can't do this, I can't do that, I can't sit here, I can't sit. मैं कहीं, मैंने कुछ भी किया, and we were everybody on the same page, or that's the reason हम लोगों ने improvise बहुत अच्छे अच्छे किए, इसी के चलते हम लोग improvise कर पाए, अपने contribute कर पाए अपने dialogues को लेकर, अपने within the lines of the character. तो इंसिडेंट ये हुए, हम लोग ने गोवा में आउटडोर शूट किया, फर्स्ट डे मैं कहीं पर शूट कर रहा था तो मुझे फ़्लाइट लेना था, मैं फ़्लाइट पे पहुंचा तो मैंने जाके एयर हॉस्टेस को, मैंने जो उस पर बोर्डिंग पास लेते हुए जो बैठी हुई थी, मैंने जो एयर टिकटिंग काउंटर पे, मैंने उनको बोला यार आप हमको प्लीज़ एक साथ बिठा देंगे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सीट्स नहीं है हमारे पास, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यार हम लोग तीनों साथ में कर रहे हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अरे ऐसे कैसे, हम तो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये सबके अपने अपने वादा है, थोड़ी है। मैंने कहा हमने तो तीन टिकट साथ में बुक किया। नहीं नहीं नहीं, हम लोग डिसाइड करेंगे आप लोग कहाँ बैठे, आप इतना रूड क्यों हो रहे हैं, आप आराम से बोलिए ना। तो उसने क्या किया, वो तो उसने मेरी बात तो सुनी नहीं, उसने क्या किया, हम तीनों को अलग अलग बिठा दिया, तो मैं सेंटर में, मेरे पीछे तरन, उसके पीछे अनुज,
और हम लोग पूरे रास्ते बॉम्बे टू गोवा फ्लाइट में हम लोग ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है. सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. हम लोग पहले दिन थोड़ा सा इंट्रैक्शन था, तो हम लोग पहले दिन फर्स्ट डे हम लोग जीप लेके ऐसे, जब आप सब लोग जीप देखते फिल्म में देख रहे हैं जीप, वो जीप लेके मैं बहुत शौकीन हूँ, आई एम अ बाइकर, आई लव टू ड्राइव, आई लव टू राइड. तो मैं बाइक गाड़ी लेके मैं निकला बाहर, तो ये लोग सब ऊपर से मुझे देख रहे थे, आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्पिन, बिकॉज गोवा मैं कई बार गया हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं गोवा में, तो हम लोग तो चलते रहते हैं जाते रहते हैं. तो ये लोग सब आ गए, उसके बाद हम लोग सब जीप भर के सब लोग जीप में खड़े हो गए, और उसके बाद हमने जो खूब धमाल मचाया, हमने जो 9 बजे निकले, 4 बजे हम लोग वापस रात को घर आए. तो इट वॉज सो ऑल दीज स्मॉल स्मॉल मोमेंट, ऑफकोर्स दीज मोमेंट्स आर वेरी एसेंशियल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर वर्क, यू नो, इट हेल्प्स यू बींग ऑन द सेम पेज. आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अभी आपके दोस्त हैं, आप वो जीना शुरू कर देते हो. तो मैंने ये ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से जिनकी बेसिकली ये ऐसा रोल था इसमें कुछ मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं थी. कुछ ऐसा रोल नहीं था जिसमें कुछ मुझे किसी की कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, कुछ देखना, कुछ मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं थी. ये ऐसा था कि यार यू बी टुगेदर विद योर फ्रेंड्स, यू एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. सो वही मैंने किया, और वो मोमेंट्स खुद ब खुद ऐसे बन गए कि इनफैक्ट मैं उसमें देख रहा था कि जो हमारे नॉट ओके टेक्स भी हैं, जो टेक हम जो फिल्म में नहीं है, उनमें से भी मेकिंग तो इतनी अच्छी बनी फिल्म की, मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने मेकिंग देखा फिल्म का, वी हैड अ फैंटास्टिक, वी हैड ब्लास्ट. आखिर में जल्दी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस? मैं सिर्फ हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप जाइए, आप फिल्म देखिए, अगर आपको फिल्म अच्छी लगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो फीडबैक्स, अपने फीडबैक दीजिए. हम डेफिनेटली जब हम दूसरी फिल्म में काम करेंगे तो सारे फीडबैक्स को हम लोग इंकॉर्पोरेट करेंगे अपने अगले काम के अंदर, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग शायद उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते, जब हम लोग को ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है, कभी कभी हम लोग बहुत मेडियोकर काम करते हैं और हमको ऑडियंस बोलती है कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा, कभी कभी हम लोग अच्छा काम करते हैं जो ऑडियंस को पसंद नहीं आता. तो मैं आई विश कि ऑडियंस को मेरा काम अच्छा लगे, फिल्म मेकर्स को मेरा काम अच्छा लगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फिल्म के थ्रू मुझे कुछ और अच्छा कैरेक्टर्स करने को मिले, और फीडबैक बहुत सबका इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ यू ऑल आर फ्री टू फेसबुक, मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ, मैं ट्विटर पे हूँ, आप लोग प्लीज़ यू कैन राइट मी ऑन फेसबुक, ट्विटर, यू कैन जस्ट राइट मी देयर एंड जस्ट सपोर्ट अ फिल्म. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच.